नमस्कार साथियों, बात करेंगे वीरता और शौर्य की एक अद्भुत कहानी के बारे में, जिन शख्सियत का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। सुना होगा आप लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई ना सिर्फ एक महान नाम है, बल्कि वह एक आदर्श है भारत की उन सभी महिलाओं के लिए जो स्वयं को बहादुर मानती है। उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिला ये सोचती है कि वह महिला है इसलिए कुछ नहीं कर सकती है। जब बात होती है देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की, यानी 1857 की क्रांति की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य देखकर अंग्रेज भी चकित थे और रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा किया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण आज भारत के हर एक बच्चे के मुंह पर कहानी के रूप में, किस्से के रूप में उभर चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय की जब हम बात करें, 19 नवंबर 1828 का दिन काशी, जिसे वर्तमान के अंदर वाराणसी या बनारस के नाम से हम जानते हैं, उसके 80 घाट पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। पिता मोरोपंत तांबे जी, माता का नाम था भागीरथी बाई। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम रखा गया था मणिकर्णिका, लेकिन मणिकर्णिका को प्यार से मनु कहकर पुकारा जाता था। मनु मात्र 4 वर्ष की थी तब सबसे पहला संकट मनु के ऊपर आता है और मनु की मां का देहांत हो जाता है, मनु की मां का निधन हो जाता है। जब मनु की मां का निधन हो जाता है तो मनु के पिता मोरोपंत जी मनु को लेकर झांसी आ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर बीतता है और नाना के घर उस लाडली को छबीली कहकर पुकारा जाता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही झांसी के जो शासक थे राजा गंगाधर राव, और गंगाधर राव जी के साथ में कर दिया गया है मनु का विवाह। जिस समय गंगाधर राव जी के साथ में मनु का विवाह हुआ, उस समय झांसी की आर्थिक स्थिति ज्यादा सक्षम नहीं थी, अच्छी नहीं थी। लेकिन मनु का जब झांसी के किले में प्रवेश हो जाता है, उस समय उसके बाद झांसी की रानी जैसे ही किले में प्रवेश करती है, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरनी प्रारंभ हो जाती है और इसीलिए मनु का नाम अब लक्ष्मीबाई हो जाता है। प्रारंभ से ही घुड़सवारी की शौकीन, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण रानी लक्ष्मीबाई किले में ही महिलाओं की पूरी एक सेना खड़ा कर देती है और स्वयं मर्दाना पोशाक पहनकर उन महिला टुकड़ी का नेतृत्व करती है। इसीलिए लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पति राजा गंगाधर राव जब रानी लक्ष्मीबाई को इस प्रकार से देखते बड़े प्रसन्न होते थे। रानी लक्ष्मीबाई के समय बीतने के साथ ही एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद पुत्र का देहांत हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु के बाद मानो संपूर्ण झांसी पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया। राजा पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे और अंत में 21 नवंबर 1853 को राजा अपने प्राण त्याग देते हैं। संपूर्ण झांसी शोक में डूब जाती है। अब अंग्रेज मौके की तलाश में जो बैठे थे उनको मौका मिल जाता है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह झांसी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए, और अंग्रेजों ने इसी सोच को अंजाम देने के लिए झांसी पर चढ़ाई कर दी। लेकिन झांसी का नेतृत्व तो महारानी लक्ष्मीबाई के हाथों में था, वह कहां हार मानने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने रणनीति बनाई कि वह तोपों से अंग्रेजों के साथ में युद्ध करेगी। कड़क बिजली, घन गर्जन और भवानी शंकर नाम की तोपों को किले के ऊपर नियुक्त कर दिया है और अपने विश्वास पात्र तोपची को वहां खड़ा करके अंग्रेजों के ऊपर गोले दागे जा रहे हैं। 14 मार्च 1857 के दिन रानी लक्ष्मीबाई स्वयं रणचंडी का रूप धारण कर तोप का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के ऊपर प्रहार कर रही है। जब अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को इस प्रकार से देखा,
बड़ा दंग रह गया है। रानी भवानी का रूप धारण किए हुए अपने पीठ पर अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को बांधे हुए बिना भय के युद्ध किए जा रही है। मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर रानी जब युद्ध की मैदान के अंदर जाती है तो वहां कुछ सैनिक रानी को सलाह देते हैं, रानी जी आप कालपी की ओर जाइए। झलकारी बाई सुंदर सखियों ने खूब रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया है। रानी लक्ष्मीबाई अपने चार पांच घुड़सवारों को लेकर निकल रही है कालपी की ओर। पीछा कर रहे हैं अंग्रेज, कैप्टन वाकर पीछा किया और कैप्टन वाकर ने उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को जब क्रांतिकारी कालपी आ जाते हैं तो रानी कालपी छोड़कर ग्वालियर चली जाती है। 17 जून को फिर युद्ध प्रारंभ होता है। रानी भयंकर प्रहार करती है और रानी के उस भयंकर प्रहार से अंग्रेज सेना को पीछे जाना पड़ रहा है। अंग्रेज सेना विवश हो गई है, वहां से हटने के लिए रानी की विजय हुई है। 18 जून के दिन स्वयं सेनापति ह्यूरोज बड़ी सी सेना लेकर युद्ध के मैदान के अंदर आ डटा था। रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप देती है और सोनरेखा नाले को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नाले को घोड़ा पार नहीं कर पाता है और वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी के ऊपर तलवार से प्रहार किया और रानी के सर के ऊपर वार करने से रानी का जो सर था वो सर कट गया और एक आंख बाहर निकल गई। रानी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन घायल होने के बाद में भी रानी ने अपना जो शौर्य था उस शौर्य को कम नहीं किया था। ऐसी घायल अवस्था में भी रानी लड़ रही है और अंग्रेज सैनिकों के साथ में युद्ध कर रही है। वक्रूर काल का दिन आता है और रानी लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास की कुटिया के अंदर अपना अंतिम श्वास लेती है और 18 जून आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत कम आयु में ही ये साबित कर दिया था कि वह न केवल एक बेहतरीन सेनापति है बल्कि वह एक कुशल प्रशासक भी है। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं को अधिकारों से संपन्न बनाने की पक्ष में थी। उन्होंने अपनी सेनाओं में अधिक से अधिक महिलाओं को भर्ती किया था। आज कई सारी महिलाएं ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकती, हम महिलाएं हैं, इस बात को लेकर उनके मन के अंदर कुछ विचार आते रहते हैं, तो उन महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई उन महिलाओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो स्वयं युद्ध के मैदान के अंदर जाकर भारत की सेना में भर्ती होकर अपने रण कौशल का परिचय दिखाना चाहती है। तो ऐसी रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में हम सब नतमस्तक है। हम रानी लक्ष्मीबाई की बार बार वंदना करते हैं और बड़ा गर्व है कि हम उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश के अंदर ऐसी वीरांगना उत्पन्न हुई है।